क्या आपको अपने स्मार्ट वॉच के कैलोरी ट्रैकर पे भरोसा करना चाहिए? तो मैंने यहाँ पे तीन टॉप स्टैंडर्ड फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइसेस लिए और तीनों को पहन करके 20 किलोमीटर का आउटडोर साइकिलिंग वर्कआउट परफॉर्म करा, जिसने मेरी स्पीड 0-40 किलोमीटर पर आवर तक टच कर गई एंड ओवरऑल वर्कआउट 1 घंटे तक चला। एंड द रिजल्ट्स आर वेरी कंफ्यूजिंग। अकॉर्डिंग टू एप्पल वॉच आई हैव बर्न 419 कैलोरीज, सैमसंग वॉच के अकॉर्डिंग आई हैव बर्न 612 कैलोरीज, और पोलर S10 ECG चेस्ट स्ट्रैप के अकॉर्डिंग जो 99% एक्यूरेट डिवाइस है, आई हैव बर्न 1113 कैलोरीज। अब यहाँ पे दो सवाल है, तीनों का डेटा अलग अलग क्यों आया और क्या हम स्मार्ट वॉच या फिटनेस ट्रैकर के कैलोरी ट्रैकर पे भरोसा कर सकते हैं? लेट्स फाइंड आउट। अब रिसेंटली AIM-7 का एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग स्मार्ट वॉच और वेरेबल्स में हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग और इस तरह के जितने मेट्रिक्स होते हैं, सब में 20% का एरर रहता ही रहता है। एंड यू नो व्हाट, कैलोरी ट्रैकर्स में 100% का एरर रहता है। डोंट वरी, हम इसको समझेंगे कुछ देर में। आपकी स्मार्ट वॉच के बैक सर्फेस पे जो स्किन से टच करती है, कॉन्टैक्ट में आती है, उससे ग्रीन लाइट निकलती है। वो एक PPG हार्ट रेट सेंसर है, जिसके थ्रू आपका हार्ट रेट मेजर होता है। अब आपके हार्ट रेट प्लस एज प्लस हाइट प्लस वेट सबको मिला करके एक अप्रोक्सीमेट रीडिंग तैयार की जाती है, जिससे आपका कैलोरीज कितना बर्न हुआ है वो पता चल पाता है। फिर इस चीज को जानने के बाद मुझे लगा कि थोड़े और ब्रांड्स को भी टेस्ट करते हैं। तो Amazfit का बैंड 7 जितना कैलोरी ट्रैक कर रहा है, फिर Huawei का Honor बैंड कितना कैलोरी ट्रैक कर रहा है, और OnePlus में भी कितनी कैलोरीज ट्रैक हो रही है, और Nothing Watch का तो सॉफ्टवेयर ही बेकार है। बट द रिजल्ट इज वेरी डिफरेंट इन ईच। आपको जितने भी ट्रैकर्स है वो अलग अलग टाइप के मेजरमेंट्स दे रहे हैं और बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। अब अलग अलग ब्रांड्स हैं, सबका कहना है कि उनका एक सीक्रेट फॉर्मूला होता है जिनको वो यूज़ करते हैं एल्गोरिदम ये सारे डेटा को फीड करके और फिर कैलोरी मेजरमेंट करके निकालते हैं कितना बर्न हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड का रिसर्च पेपर, जितने भी स्मार्ट वॉचेस और वेरेबल्स हैं वो एक्सेलेरोमीटर को भी यूज़ करते हैं आपके कैलोरीज को ट्रैक करने के लिए। आप किस तरह के हैंड मूवमेंट कर रहे हो, आप किस तरह की चीज़ें कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग भी ट्रैक करते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये जो फिजिकल एनर्जी एक्सपेंडिचर की वैल्यू आ रही है, ये एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट है। और फिजिकल एनर्जी एक्सपेंडिचर आपको समझ में नहीं आया तो इसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीज बर्न। अब ये सेम चीज़ हमारे फूड लेबल्स में भी हमें देखने को मिलते हैं, और केसी नाइस्टेट के वीडियो में उन्होंने लाइक एक खोल के दिखाया है कि ऐसा क्यों होता है, और वहाँ पर भी काफ़ी एरर होता है वो डेटा जो हमें फूड लेबल्स में लिखे हुए मिलते हैं पीछे में। एंड अकॉर्डिंग टू द लेबल ओनली हैव 228 कैलोरीज एंड दिस हेल्थी सैंडविच टुक द ट्रॉफी फॉर द biggest inaccuracy. Actual calorie content was nearly double what the label said, giving this sandwich about the same amount of calories as a Big Mac. अब एक डाउट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हमें तीनों डिवाइसेस में अलग अलग रीडिंग्स क्यों मिले देखने को, क्योंकि सबका अपना अलग अलग फॉर्मूला है। बट द मेन क्वेश्चन इज स्टिल इंटैक्ट कि स्मार्ट वॉच पे हम भरोसा कर सकते हैं या नहीं, तो आगे समझते हैं इसको। तो मुझे लगा कि मार्केट में कोई एक तो डिवाइस होगा जो 90% तक कैलोरी ट्रैकिंग में एक्यूरेट होगा, बट दुख की बात यह है कि कोई एक डिवाइस नहीं है जो 50% भी एक्यूरेट हो। अब अगर आपको एक्यूरेट कैलोरी ट्रैक करना है तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। तो आपको मेटाबॉलिक कैलोरीमेट्री चैम्बर में जाना पड़ेगा, जो एक सील्ड पैक रूम होता है, और वहाँ पर आपके सांस पर नजर रखी जाएगी कि आप कितना इनहेल कर रहे हो O2 और कितना एक्सहेल कर रहे हो CO2, और उसी के अकॉर्डिंग आपके कैलोरीज मेजर की जाती है। अब आप बोलेंगे यार ये CO2 से कैसे मेजर कर पाएंगे कि कितना कैलोरी बर्न हो रहा है, तो ये है वो फॉर्मूला जिसको यूज करके हम मेजर करते हैं कि आपका कितना कैलोरी बर्न हो रहा है। अब देखने में बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा, मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में बताता हूँ। तो एकदम आसान भाषा में आपको बताया जाए तो जब आप 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो अपने नाक से या मुंह से, तो उसमें आपका 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बर्न हो जाता है। अब मुझे पता है आप स्मार्ट हो, आपको पता है 1 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कितने कैलोरीज होते हैं। एनीवेज, कमिंग टू द सेकंड ऑप्शन जिसके थ्रू हमें एक्यूरेट कैलोरी मेजरमेंट कर सकते हैं, तो मार्केट में ये दो डिवाइसेस हैं, एक NIO करके है, कैसे प्रोनाउंस करना आई डोंट नो, और दूसरा वाला मास कैलियर ब्रांड का है। दोनों को इंपोर्ट करना इंडिया में इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि वहां पे भी आउट ऑफ स्टॉक है। अब बचा तीसरा ऑप्शन, दैट इज DIY कैलोरी ट्रैकर। अब सुनने में आपको लग रहा होगा भाई ये DIY क्या है, तो ऐसे भी एक्यूरेट नहीं होगा, बट नहीं, इसको स्टैनफोर्ड के रिसर्चर्स ने डेवलप करा है इस पर्टिकुलर मशीन को, और इसके थ्रू ये मेजर करते हैं कैलोरी ट्रैकिंग। ऑलराइट, अगेन इस डिवाइस को भी इंडिया में मंगाना इज नॉट एन इजी टास्क, और ये अवेलेबल भी नहीं है सेम। तो अब बचा क्या? So after watching a lot of videos and doing a lot of research और काफी सारे research paper पढ़ने के बाद I found out something. मुझे यहाँ पे 3 रिसर्च पेपर्स मिले, और तीनों रिसर्च पेपर में बस ये एक बात कर रहे हैं। तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग तीनों ने 12 फिटनेस ट्रैकर्स और वेरेबल्स लिए हैं जो डेटा ट्रैक करते हैं कैलोरी ट्रैकर,
और 12 पार्टिसिपेंट्स लिए। सबको पहना दिया फिटनेस ट्रैकर और सारे पार्टिसिपेंट्स को मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी चैम्बर में रखा गया। 15 दिन का ट्रायल चला है और सारे दिन कैलोरी को ट्रैक किया गया है। रिजल्ट्स कुछ ऐसे देखने को मिले कि जो स्मार्ट वॉचेज हैं वो कैलोरीज को अंडर रिपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिक करके बताता हूँ, वो समझ में आ जाएगा। फॉर अ रेफरेंस वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है। इन्होंने 5 डिफरेंट स्मार्ट वॉचेस को लिया और मेटाबॉलिक चैम्बर में रीडिंग्स लिए और स्मार्ट वॉचेस में भी रीडिंग्स लिए। उनमें से 4 जो स्मार्ट वॉचेस थे उन्होंने कैलोरीज को 500 कैलोरीज अंडर रिपोर्ट करे और एक इकलौता स्मार्ट वॉच था जिसने 110 कैलोरीज ज्यादा रिपोर्ट करे, ओवर रिपोर्ट करे। तो इन सब चीजों को देख करके ये पता चलता है कि स्मार्ट वॉच कंपनीज वैल्यूज को लिमिट कर रही है। आपको ओवर वैल्यूड चीजें देखने को नहीं मिलेंगे यहाँ पे। मतलब कैलोरीज अगर आपके 1000 बर्न हुए हैं तो ये आपको 800 दिखा देगा, बट कभी 1200 कैलोरी नहीं दिखाएगा। मतलब कम दिखा देगा बट ज्यादा नहीं दिखाएगा। अब अगेन अगर एम 7 की रिसर्च की माने तो एप्पल वॉच में कैलोरीज एक्सपेंडिचर में 115% का मिसकैलकुलेशन है, गार्मिन में 6-42% का है और फिटबिट में 14.8% का एरर है और सैमसंग में 20% का है। अब ये रिसर्च पेपर्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप अगर क्यूरियस हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं जाकर के। ओके, सो स्मार्ट वॉचेस आर कंसिस्टेंट इन कैलोरी ट्रैकिंग बट नॉट सो accurate in it. So take it with a pinch of salt or grain of salt. Whatever you like. अभी सारे मेट्रिक्स और ये सारे रिसर्च पेपर को एनालाइज करके आपको दिखाने का मतलब ये है कि आपको पता रहे कि फिटनेस ट्रैकर्स और वेरिएबल्स काम कैसे करते हैं और आपको कितना भरोसा करना है इन पे और कितना नहीं करना है और कैसे आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। सो आई कैन से इन दिस ह्यूज टेक्नोलॉजी एरा हमारे पास एक भी एक पोर्टेबल छोटा फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइस नहीं है मार्केट में अभी तक जो प्रॉपरली कैलोरीज को ट्रैक कर पाए। सो देयर आर सम की टेकअवेज फ्रॉम दिस वीडियो। तो कभी भी अपने मील में चेंजेस मत लाइए वैल्यूज को देख करके कितने कैलोरी आपने बर्न कर दिए हैं, तो आप उतने कम कैलोरीज कंज्यूम करोगे या ज्यादा करोगे, इट डजेंट मैटर। आप जैसे मील फॉलो कर रहे हैं अपना, जैसा प्लान फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो कीजिए, नंबर्स पे मत जाइए। आप कोई वर्कआउट या फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो कैलोरी ट्रैकिंग पे इतना ज्यादा रिलाय मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप थक गए हैं और वर्कआउट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज कैलोरी ट्रैकर में मत देखिए कि भाई अभी तक उतने कैलोरी बर्न नहीं हुए हैं तो थोड़ा और कर लेते हैं। नहीं, मत कीजिए, आपका जितना कैपेबिलिटी उतना ही कीजिए ना। तो होप आप रीडिंग्स को आप थोड़े से नमक के साथ लेंगे और फिर से मिलेंगे हम। सब्सक्राइब कर लीजिए। पीस आउट।